हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। तो दोस्तों, आप वैसे तो सर को जानते ही होंगे कि दो बार मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। और जो पंजाब रतन घोड़ा है, जो सर को के पास में, सर लगभग 1 साल हो चुका होगा या नहीं नहीं कम, 7-8 महीने हुए। 7-8 महीने हुए। तो वो पंजाब रतन घोड़ा भी इसी फार्म पर है। तो हल्की सी मैं चाहूँगा कि पंजाब रतन का बाप कौन है, उसके बारे में ज़रा लोगों को बता दे। पंजाब रतन का बाप है प्रदीप भाई देवराज रनिया। देवराज रनिया। हाँ जी। और अगर माँ की बात करें तो माँ जी लेजेंडरी मेयर कावेरी। कावेरी। हाँ जी। और हाइट में कितना है अभी हाइट पंजाब ये रतन? जी पूरा 65.5 कर गया है। 65.5 हो गया हाँ है। जी। हाँ जी। तो कवरिंग स्टार्ट है अभी? कवरिंग स्टार्ट है जी। क्या फीस वगैरह क्या रख रखी फीस है? 31,000। तो दोस्तों, अब मैं आगे चाहूँगा सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर उसके बाद में हम अपनी घोड़ियों की जो जो मेन पार्ट अपन घोड़ियों के लिए बना रहे हैं, फिर उनकी बात चालू हाँ करें। जी। मैं जी डॉक्टर प्रीतकरण, और ये मेरे फादर है मिस्टर दलजिंदर सिंह। ओके। और अपने फार्म का क्या नाम रख रखा है? अब बीबीएन स्टड फार्म। बीबीएन स्टड बीबीएन फार्म। बी स्टड फार्म। हाँ और जी। ये फार्म पड़ता कहाँ पे है अपना? ये जी विलेज दौलतपुर, चंडीगढ़ हाईवे पे है, नवांशहर चंडीगढ़ हाईवे। ओके। और फार्म मेरे को लगता है कि जो दूसरी बार आपने जो लोगों को दिखाया उससे ज़्यादा चमक गया है। हाँ वो भी जी। हम फार्म लोगों को दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, जैसा कि लोग देख भी पा रहे होंगे। पीछे जो गार्डन है वो पहले ऐसा नहीं था, पर कुछ डेवलपमेंट की वजह से वो डेवलप हो गया है। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं भाई साहब जानना चाहूँगा कि अभी अपने सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, हाँ जी। हाँ हाइट जी। में बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हाइट में क्या है और इसका नाम क्या है? जी इसका नाम है विजया लक्ष्मी, और इसकी हाइट है 64.5। 64.5 यानी हाँ जी। 64.5 के 65 करीब। स्टिक वाली है। और वास्तव में, क्योंकि मैंने भी खुद घोड़ी के पास में खड़ा होकर देखा, तो मैं दूसरी तरफ दिख नहीं रहा हाँ था, है जी। ना? तो उससे आइडिया लग सकता है कि घोड़ी 64 65 साढ़े आराम चौंसठ से। आराम से स्टिक वाली है, अभी दिखाया भी था आपको। नहीं हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, व्यापारी आदमी और शौकीन आदमी में दो ही फर्क है जो मेरे को नजर आता है। व्यापारी आदमी झूठी बोलेगा क्योंकि उसको बेचनी है, आपको बेचनी नहीं। तो जो रियल है वो आपने बताई, हाँ जी। हाँ है जी। ना? अगर अपन चाहे तो लोगों को स्टिक लगा के भी बता सकते हैं, पर हाँ जी। स्टिक लगा के मैं आजकल इसलिए नहीं देखता क्योंकि आप स्टिक कितनी भी सही लगा लो, लोग बोलेंगे यार तुमने तो गलत लगाई, है वो तो बोलना ही ना? है जी। क्योंकि लोगों का काम है बोलना, क्योंकि कमेंट में क्या पैसे तो लगते नहीं। अगर 2 रुपये भी लगे ना तो आदमी कमेंट नहीं करे कमेंट में। वो फ्री का 399 का रिचार्ज रहता तो तो बस कितने कितने की फ्री कमेंट है। हाँ जी। हाँ जी। होगा। तो इसका नाम क्या रख रखा है अभी आपने घोड़ी का? हाँ जी, घोड़ी का नाम है विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी। हाँ जी, लक्ष्मी। और अगर इसके बाप की बात करें तो? बाप इसका जी काला कांटा। काला कांटा है। हाँ जी। और मदर इसकी थी दाने घोड़े की थी, वो दाने घोड़े की हाँ बच्ची जी। है। हाँ जी। और उम्र में कितनी हो गई उम्र अभी? में ये जी पौने 4 साल है। पौने 4 साल की। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी प्रेग्नेंट लग रही है किसी हाँ से? जी, ये प्रेग्नेंट है पंजाब रतन से। पंजाब रतन से। हाँ जी। तो आपको क्या खासियत लगती है इस घोड़ी के अंदर? क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के टाइम में 64 65 की घोड़ी मिलना एक मार्केट में बहुत बड़ा खेल हो गया है। हाँ क्योंकि जी। आप भी बहुत सारी वीडियो देखते हो मेरी भी, हाँ तो जी। मेरे हाँ को जी। लगता है शायद ये पंजाब में तीसरी चौथी वीडियो होगी जो 64 65 की मेयर मेरे सामने आप हाँ जी। सारे लोग देख पा रहे हैं, जो सही वाली है। हाँ, जो सही वाली है। हाँ जी। बाकी तो 64 को तो लोग पंजाब में 68 बना देते हैं। कर ही देते, वो तो पूरे इंडिया में ही करते हैं जी। 2-3% तो झूठ चल हाँ। बोलते ही है आदमी के, वो क्या हाँ क्या खून में भी वो आ गया है। हाँ। क्योंकि इतने दिनों से झूठ बोल रहे तो एकदम सुधर भी नहीं सकते ना, दिक्कत ही है। सुधरना मुश्किल ही है उनका तो। और मैं सुधारना भी नहीं चाहता क्योंकि जिसके झूठ बोलने की फितरत पड़ गई उसका तो क्या कर सकते हैं। हो तो नहीं आपको इस सकता घोड़ी के अंदर क्या अच्छा लगता है यानी कि? जी, एक तो इसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। दूसरी इसकी लेंथ देखिए आप, इसकी नेक देखो, इसके खड़े होने का तरीका, इसके कान बहुत ज्यादा पतला सा, इसका मुंह है, बॉडी इतनी जबरदस्त है, मुंह इसका छोटा सा है बिल्कुल। जैसे बोलते जो घोड़े वालों की लैंग्वेज में झोली बहुत बड़ी है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया घोड़ी है, एकदम पुट्ठा देखो इसका कितना अच्छा है। तो अभी आपके फार्म पे इस घोड़ी ने पहला बच्चा देगी है? नहीं, पहली बार प्रेग्नेंट है ये। पहली बार ही हाँ जी, प्रेग्नेंट पहली बार ही प्रेग्नेंट तो आपके फार्म पे इनकी ये पहला बच्चा आएगा? पहला इससे बच्चा पहले है। भी कोई होम ब्रीड नहीं, बच्चा ये आ चुका पहला है? बच्चा आएगा हमारे फार्म तो पे। पहला बच्चा जैसे आपके फार्म पे आएगा तो कुछ अंदर से खुशी रहती है कि यार खुशी, हमारे फार्म? एक्साइटेड ही रहते हैं जी, सुबह शाम यही बात करते रहते हैं, मैं और पापा और बड़ा भाई मेरा है ना डॉक्टर जसकरण, वो अभी जॉब पे है ना, तो हम तो यही बात करते रहते हैं अपनी कि पहला बच्चा आएगा उसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो एक्साइटमेंट ही अलग लेवल की होती है। अलग हो जाता ना अपने अपने बच्चे, बच्चा और वो भी पहला जेठालाल, मतलब लाल हो लाली हो वो बात अलग है। पर ये है कि उसकी जो पहले से चालू हो जाती है क्या करना है हमको उसके लिए, प्लानिंग पहले चलती है सारी। बिल्कुल। तो जैसे कि ये जो घोड़ी है तो कितना टाइम हो गया इस घोड़ी को अपने फार्म पे? ये जी हमें हो गया इसके 8-9 महीने हो गया हमारे पास। 8-9 महीने। हाँ जी। और घोड़ा मार्केट में कितना टाइम हो गया अभी अपने को? घोड़ा मार्केट बात में करें तो साल हो गया।
साल से ज्यादा। हाँ जी, तो कैसे आ गए थे घोड़ा मार्केट के अंदर? बस आपकी वीडियोस देख के लत लग गई। लत मेरे को लगता कुछ भयंकर लग गई। भयंकर ये है जी, शौक तो पहले से था प्रदीप भाई, क्योंकि आप डॉग्स रखते थे। डॉग मैं जो भी देखने वाले लोग हैं उनको बता देता हूँ कि आपने पहले भी वीडियो देखे होंगे जो शेर जैसे जो डॉग्स है, जो कौन सी ब्रीड के थे सर? तिब्बतन मैस्टिफ। हाँ, तो वो डॉग भी आपने देखे होंगे, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो भी लोग देखना चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। डॉग का शौक तो पहले से ही था? डॉग तो जी बस बहुत ही पहले से, पापा से भी पहले, दादा परदादा से डॉग तो रह ही रहे हैं। पंजाब रतन को कितना टाइम हो गया? पंजाब रतन को हो गए हैं 7 महीने तो हो ही गए हैं। तो कैसे विचार आया कि पंजाब रतन लेना चाहिए? घोड़ा ऐसा एक ही मौका मिलता है। हाँ। तो मौका दिया भगवान ने, वो मौका छोड़ा नहीं। तो सबसे पहले घोड़ा ही आया था अपने फार्म में? नहीं, सबसे पहले आई थी वो राजलक्ष्मी घोड़ी, जिसकी आपने वीडियो कवर करी थी, जिसका पहले नाम बेबी था, बेबी सरजोत भाई के पास। हाँ जी, वो पहले सबसे वो घोड़ी ली थी, उसको 11 महीने कल हुए हैं। 11 महीने? 23 तारीख को कल 11। यानी अपने सामने जो अभी ये बच्ची खड़ी हुई है वो राजलक्ष्मी? वो राजलक्ष्मी है। तो राजलक्ष्मी का बाप कौन है जी? सप्ताश। सप्ताश घोड़ा? हाँ जी, जो कुमार ठाकुर जी के पास। जो कुमार ठाकुर जी के पास। और इसकी अगर मदर की बात करें? मदर मुझे कंफर्म नहीं है, शायद भाई ने तब अलीशान डायरेक्ट बताया था, मैंने देखी है मदर, 62 इंच की अच्छी घोड़ी थी वो, डायरेक्ट आई थिंक पुष्कर से ही लेके आए थे वो। और अभी हाइट में कितनी हो चुकी है ये? 63 से थोड़ी कम है। 63 से थोड़ी कम है? 30-31 महीने। तो आपका आइडिया क्या कहता है अभी कितनी और चले जाएगी? 64 तो जी टच, 64 तो करी जाएगी ना, 64 तो करी जाएगी। हाँ, पार तो करी जाएगी। तो यानी आपके फार्म पे कल इसको 11 महीने पूरे कंप्लीट? कल 11 महीने हुए। तो कितने मंथ की लाए थे आप इसको? ये तब थी 19-20 महीने की थी बस। 19-20 महीने की थी तब यार। बाकी बेबी से आधार कार्ड चेंज करके राजलक्ष्मी कर दिया? राजलक्ष्मी कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। राजलक्ष्मी में इसमें क्या खूबी लगती है आपको जी? एक तो इसकी घोड़ी की ब्यूटी अनमैच्ड है हमारे फार्म पे। इसकी कटाई बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जैसे मतलब बारीकियां बहुत है इस घोड़ी में। एटीट्यूड बहुत अच्छा है इसका, बहुत ही शरीफ घोड़ी है, शर्मीली बहुत है, बहुत ही पुट्ठा। देखो लेंथ इसकी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, मार्किंग बहुत जबरदस्त है, सारा कुछ एकदम ऑन पॉइंट है। तो जैसे आपके फार्म पे मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा बिजनेस में ज्यादा रहते हैं, सेल परचेज वाला अपना कोई काम नहीं है ना? सेल परचेज का कोई काम नहीं है। तो थोड़ा सा कभी कभार लोग जैसे फार्म पे आते हैं तो जैसे कि वो रहता है ना, जैसे मार्केट में कोई बंदा नया आता है तो आप जानते हो मार्केट में क्या क्या चलता है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपको भी 2-2.5 साल हो गए तो सारे जो ऐसे बोलते हैं दाब पेच आपको भी पता होंगे। तो मार्केट में जैसे कोई बंदा आता है जो कमी निकालने वाला काम करता है क्या? नहीं, कमी तो ऐसा नहीं होता, बट ये बता देते हैं कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, है ना। तो कई सलाह तो मतलब जो सलाह देते हैं कई तो मतलब सच्ची में जेन्युइन सलाह होती है कि हाँ जो हमें भी लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारी एक पॉइंट की कमी रह सकती है ना। बाकी कोई कमी तो ऐसा किसी ने निकाली नहीं है। बाकी बोलने वालों का तो जी देखो काम नहीं, फिर है। देखो फिर थोड़ा सा आदमी को हर आदमी ने हमारी तारीफ ही करी। क्या आदमी को अगर आपको पागल बनाना तो मेरे को लगता है कि उसको पहले MBBS करके आना पड़ेगा। हाँ, वो तो है ही है जी, क्योंकि देखो 10वीं 12वीं या BA बड़े आदमी को पागल बनाना बहुत आसान है। इससे बड़े वाला MD मेडिसिन है। वो MD मेडिसिन तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उसको झूठ बोलने के लिए पहले MBBS करके आना पड़ेगा। जब जाके वो थोड़ा सा उस लेवल का झूठ बना पाएगा, क्योंकि देखो पढ़ा लिखा बंदा होता है और जो बाहर घूमा हुआ है उसको सब समझ में आता है। एक्सपोजर ज्यादा होता है ना, हम बाहर रहे हैं, है ना। मेरा बड़ा भाई अब 11th में ही बाहर चले गया था, मैं 12th के बाद बाहर चले गया, बाहर स्टेटों में रहे हैं। तो अभी आपकी कंप्लीट हो गई है? मेरी कंप्लीट है जी, हो गया मुझे। अच्छा, अभी प्रैक्टिस चल रही है? नहीं, प्रैक्टिस नहीं, मैं घर ही रहता हूँ जी। घर ही रहता? अभी मैं MD की तैयारी कर रहा हूँ ना। ओके, तो उसके लिए वो भी नया फार्म पर ही ज्यादा रहता हूँ मैं तो। तो अभी घोड़ों से कितना टाइम देते हो घोड़ों को? मैं जी सुबह आ जाता हूँ फार्म पे, कभी कभी नहीं आ जाता तो शाम को आ जाता हूँ। तो घोड़ों का डिपार्टमेंट किसके हाथ में, यानी कि घर के हाथ में या आपके हाथ में? ज्यादातर मेरे हाथ में है, पर सारे मतलब सलाह से ही चलते हैं। हाँ जी, क्योंकि सर को भी शौक है ही है पूरा। सबको ही शौक है, मेरे बड़े भाई को, मेरे मम्मा को बहुत ज्यादा शौक पड़ा हुआ। अच्छा, आती फैमिली वगैरह? सारी फैमिली आती है हमारी, रोज शाम को आते हैं। भाई थोड़ा बाहर रहता है ना वो, क्योंकि उधर फिर वो भाई आप तो डेली, बाकी घर से और फार्म की दूरी मेरे को लगता है 4-5 किलोमीटर है बस है ना? इतने ही है, 6-7 किलोमीटर है बस। 6-7 किलोमीटर? हाँ जी। तो क्या ज्यादा ज्यादा 6-7 मिनट ही लगती होगी? मैं तो रहता ही यहाँ पे हूँ ज्यादा टाइम। तो अभी जो हमारे सामने तीसरी घोड़ी खड़ी हुई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी देवयानी। देवयानी? देवयानी। और देवयानी का बाप कौन है? देवराज रनिया। देवराज रनिया? हाँ जी, हाँ जी। और अगर माँ की साइड से देखें? माँ जी इसकी है डायरेक्ट कावेरी और शानदार की बच्ची। कावेरी और शानदार? हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में जी ये अभी दूध दांत है, हाइट इसकी 63.5 अभी टच कर गई है। 63.5 टच कर गई है, दूध दांत है अभी। 23 महीने से ऊपर इसकी उम्र है। और 23 महीने से ऊपर? हाँ जी।
तो आपको जैसे मैं वैसे तो आपके लिए तो सारे घुड़ा घुड़ी सेम है, सारे तीनों घुड़ा घुड़ियों में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? जी चार हो गए पर हमारे में ऐसे कोई बायस नहीं है, सभी भेदभाव नहीं है, पसंद है। एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक है। बट अगर एक बोलते हैं जो आने वाले टाइम में प्राइड ऑफ आर फार्म बनेगी है ना, वो देवयानी बनेगी ज्यादा, है ना। पंजाब रत्न तो पहले ही बहुत मशहूर है, देवयानी लाइन की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी उम्र उसकी कुछ भी नहीं है, हाइट उसकी ऑन स्टिक मैंने आपको दिखाई लगा के पास में, अतारी भाई के पास में बहुत ही अच्छी घोड़ी है, वो 64.5 की घोड़ी होगी। वो भी हारी भाई ने तो वैसे भी बहुत सारे अनमोल हीरे अपने कलेक्शन, बहुत जबरदस्त है। पंजाब रतन भी उन्होंने ब्रीड करा, वो अनमोल हीरे ही रखते हैं। हाँ, वो नॉर्मल रखते ही नहीं वो पर ज्यादातर हीरे देते नहीं है किसी। हाँ, देते नहीं है, हमें भी बस प्यार में दे गए उस दिन वो तो देखो वो तो ये रह नहीं दे रहे, मन उनका काफी था उस दिन, परेशान करे चलो आप आए हो चलो ठीक। वो तो ये है कि जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसके ऊपर। हाँ, आदमी का लक होता है, खुद चुनता है घोड़ा, खुद ही चुन लेता है जो मैं सोचता हूँ। घोड़ा खरीद नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाला उसी हिसाब से उस आदमी का क्या दिमाग घुमा दिमाग घुमा देता है कि घोड़ा इस जगह पे जाना चाहिए। स्टार है जी, बस आपके कर्म है। तो सर अभी तीन घोड़ी और एक घोड़ा रखा है, घोड़ा बस। हाँ जी, तो आगे घोड़ा को लेके क्या है अपनी प्लानिंग? यानी ऐसे बोले कि जैसे आपने MBBS कराया तो कुछ ड्रीम होगा भाई अपना हॉस्पिटल खोलना है, क्या है तो इस घोड़े मार्केट को लेके क्या ड्रीम है? घोड़े मार्केट में जी बढ़िया ब्रीडिंग करेंगे और बस बढ़िया करेंगे ब्रीडिंग। अभी सेल परचेज का इतना है नहीं हमारा, बस अपनी ब्रीडिंग करनी है, एक अच्छी ब्रीडिंग करनी है साफ सुथरी। तो अभी जैसे आप, आपके जैसे यूथ लोग भी इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं ना जी सर, तो आप उन यूथ लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी यूथ लोगों को मैसेज मेरा ये है कि ये बहुत ही अच्छा काम है। एक तो आपको ये जितनी भी मतलब सोशल मीडिया पे हमारे आजकल यूथ बहुत ही है ना, वो सारी नेगेटिविटी से बंदा दूर रहता है, बिकॉज घोड़ा पॉजिटिविटी है, घोड़ा घोड़ी वो पॉजिटिविटी, आप एकदम पॉजिटिव रहते हो, बाकी नशों से दूर रहते हो क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता नशे करने का किसी को। नहीं तो आपके पास में जब घोड़े थे नहीं, हाँ जी, उससे पहले जिंदगी कैसी चलती थी? और उससे पहले मेरे पास तो डॉग थे। अच्छा। मेरा तो सही चलता रहा। हाँ। अभी दोनों में बट गया है। अच्छा, मेन डॉग हमारे दूसरे घर में होशियारपुर वाले में, इधर दो ही अभी रखे हुए हैं ना, वो आपने देखा तो चारों आ गए तो फिर मेरे को लगे नया आदमी जैसे छह है जी, छह है तो जैसे ही अगर छह आ गए तो मेरे को लगे नया आदमी जैसे गेट पे उंगली टच करेगा मेरे को लगता है कि वो गिर जाना। इनका भी ऐसे ही है जी, थोड़ा बांध के रखने पड़ते हैं। अभी रात को ये दोनों फीमेल है, ये खुली होती है, गार्ड डॉग भी खतरनाक वाले ना, हल्के नहीं है ना, हल्के नहीं काट लेते हैं ना। अगर एक बार भौंके तो मेरे को लगे आवाज आधी किलोमीटर तक तो गांव तक सुनती है। रात को बोलते हैं कि कुत्ते बहुत भौंके आज, तो रात को खुले रहते हैं क्या डॉग्स? रात को खुले रहते हैं, रात को पूरे में खुल घोड़ों के संग बड़ा इनका प्यार, बहुत प्यार है, साथ रहते हैं घोड़ों के साथ। हाँ हाँ, घोड़ों के साथ रहते हैं। जब नया बच्चा आएगा ना कोई, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि नई चीज को जल्दी फार्म में ना एक्सेप्ट नहीं करते 4 दिन। हाँ, गार्ड डॉग है ना, ये सोचेंगे ये क्या चीज आ गई, बाकी ब्रीड जैसे नहीं है इनका ना, बाकी ब्रीड जैसे नहीं। अभी यहाँ पे घोड़े होते हैं, यहाँ पे दरवाजों के सामने बैठ जाते हैं, कोई टच नहीं कर सकता, जब नया इनको मार के कर सकता उसका थोड़ा 5-10 दिन ध्यान रखना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा कि ये भी, फिर उसको नहीं हाथ लगाने देंगे क्योंकि इनको पता चल जाएगा हमारा घर का बच्चा है हमारे। यानी कि 10-15 दिन लेते हैं थोड़ा मेल मिलाप? नहीं नहीं, 10-15 तो नहीं, 4-5 दिन, 4-5 दिन। तो बाकी जो अपना मेन उद्देश्य है अभी घोड़ा मार्केट में वो ब्रीडिंग का है, बस ब्रीडिंग का है जी। हाँ जी, अच्छा काम करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे बस, अच्छी ब्रीडिंग। और जो झूठ तूफान आपको और बताता हूँ, आदमी के बोलने के तरीके से पता लग जाता है कि आदमी झूठ बोलता बोलने वाला होगा कि सच बोलने वाला होगा, वो तो है ही। ये बात अलग है, जिन्होंने झूठ बोलने में MBBS कर रखा है उनका पता नहीं चलता, वो तो जी फिर पता ही नहीं ना उनका तो, क्योंकि पंजाब में झूठ बोलने वाले भी है MBBS कर रखा है जिन्होंने, चलो वो, और उन्होंने डबल वार MBBS कर रखा है, वो तो कैमरे के सामने भी पकड़ में नहीं आते। दिक्कत पता क्या प्रदीप भाई, यहाँ तो झूठ बोल के चल रहा है पर भगवान के वहाँ नहीं ना चलता, वो तो देखे सारा कुछ निकलेगा यहीं पे। नहीं तो सर अपने घोड़े वाले भगवान से नहीं डरते ना? अरे वो सब डरेंगे जब सब डरना पड़ता है, क्योंकि जब उसकी लाठी चलती है ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। वो तो वो वाला सिस्टम है, लोन ले रहे हैं अभी बैंक से, लोन ले रहे हैं पर फिर चुकाएंगे, फिर चुकाया जाएगा नहीं ना, वो तो फिर दुगना ही चुकाना पड़ता है। अगर आप किसी के साथ ठगी मार के कोई गलत चीज देते हो ना, घोड़ा हो या घोड़ी हो, देखो आप उस आदमी से ठगी नहीं करते, उस जानवर से कर रहे हो, वो तो है ही, क्योंकि उसको आदमी को कल नहीं परसों पता लग जाएगा मैं ठग हुआ, किसके कारण ठग हुआ जी, मैंने घोड़ा खरीदा। वो उसको बेचने के चक्कर में सेवा कम करेगा, कुछ ऐसा सोचेगा कि मेरे साथ ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली पैसे का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आदमी ने गलत किसके संग किया, जानवर के संग।
वो उसको सेवा नहीं करेगा, वो सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये हो गया यार इसके कारण अटैचमेंट टूट जाती है ना, टूटनी चाहिए नहीं है, प्यार करना ही चाहिए ना, आपके घर में जानवर है ना। एक बात और कहता हूँ, देखो प्रदीप जी ऐसा है कि अगर किसी के साथ कोई ठगी भी हो जाए ना, वो जानवर की सेवा दबा के करे, क्योंकि वो जिसने ठगा है ना वो पैसा उसका खत्म हो जाएगा, आपको वो वाहेगुरु देगा ही देगा। यानी उसे जानवर से वो देश भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं नहीं वो उसे नहीं रखनी चाहिए जानवर का क्या कसूर है, क्योंकि ठगी तो इंसान ने करी है ना, घोड़े की क्या गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है, जानवर का कोई कसूर नहीं करेगा, घर में आपके अच्छा ही होगा कोई ऐसी। और ये हो सकता है तुम उसकी सेवा करो तो तुमको दुगना, जो तुम्हारा ठगी है वो रिकवरी करा के चला जाए, दुगना नहीं चार गुना मिलता है जी, चार गुना भी क्या, इनफाइनाइट टाइम, बिल्कुल वो तो रास्ते खुल जाते हैं ना, और भी जगह उसमें वो तो मिलता ही रहेगा जी, वो कोई अब देखिए इसको शौक लगा, इसके भाई को लगा, घोड़ो एक्चुअल में देखा जाए आज घोड़ों ने हमें यहाँ बिठाया, वो अगर इनको ये शौक ना लगता हम कहाँ जगह ले गई है, ये सब बनाने वाले तो सर ये फार्म के लिए जगह खरीदी थी क्या? हाँ ये घोड़ो थोड़ा टाइम पहले खरीद ली थी, घोड़ो लेने से पहले खरीद ली थी जगह, और घोड़ों के कारण ही मेरे को लगता है कि फार्म भी आपने ऐसा बना के तैयार करा जैसे फाइव स्टार होटल हो, बस कोशिश की है, वो भी हम लोगों को दूसरे पार्ट में दिखाएंगे कि भाई फार्म आपने पहले देखा था जब कीचड़ था, दूसरी बार में घास हो गई थी और तीसरी बार में घास कितनी बड़ी हो गई है, वो तो प्रदीप भाई एक कोशिश है बस। ये शौक ऐसा है कि एक तो आदमी की टेंशन दूर रहती है, बिल्कुल आपको काम धंधे में आपका और मन लगता है, और मैं आपको एक और बताता हूँ, जो अपनी घोड़ी नहीं है विजयलक्ष्मी, मैं इसके ऊपर राइडिंग जब पहले मैंने कहा चलो राइडिंग वाइडिंग करते हैं, बड़ी अच्छी राइडिंग करवाती है, मुझसे चढ़ा नहीं गया क्योंकि वजन ज़्यादा शुगर का भी हो गया, ठीक है जी, तो उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं फिर तैयार ट्राई करूँगा, आजकल क्या कर, मैं खुद ही चढ़ जाता जी ऊपर। अच्छा घोड़ी के? हाँ बूढ़े से जवान आदमी हो जाता है जी, मेरे से नहीं चढ़ा जाता घोड़ा घोड़ी के साथ, हार गया और आदमी का अच्छा आपका मूड एकदम खुश खुश रहेगा, खुश फिर आदमी को माने चलो घोड़ी चढ़ने नहीं देती तो आदमी को लगता है नहीं अब मैं तो चढ़ के ही बताऊंगा, वो भी फिर ईगो प्रॉब्लम वो घोड़े के साथ जो हमारी घोड़ी है ना इसके बाल पर खड़ी हो जाती है, मुझसे नहीं चढ़ा गया था एक्चुअल में, वो शरीर भारी था नहीं चढ़ा गया, फिर मैंने ना जैसे आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करी, दो चार पांच बार नहीं चढ़ा गया, थोड़ा प्यार से लिया होगा, अब लड़कों ने पकड़ा नहीं नहीं चढ़ो चढ़ो, तो फिर बाद में अब एकदम बढ़िया तंदुरुस्त रहता है इनके साथ। अरे बूढ़े से जवान हो जाते हैं ना, हॉर्स पावर इनमें पावर नहीं, जो इनके संग रहते हैं उनको भी पावरफुल बनाते हैं ये। प्रदीप भाई बाहर ना विकिपीडिया एक साइट है ना हमारे, हम कुछ भी देखना हो विकिपीडिया पर पढ़ो उसके बारे में सारा कुछ लिखा हो, उस पर जब हम हॉर्स सर्च करते हैं ना या हॉर्स देखते हैं उस पर लिखा हुआ है ये बाहर थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, ओके, लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी पैनिक अटैक आने मतलब बंद हो जाते हैं, जो बंदे घोड़े रखते हैं बाहर जो रख सकते हैं उसको बोल देते हैं कि आप घोड़ा रख लो, सर एग्जांपल मार्केट में बहुत ज्यादा एग्जांपल है, पहले पता नहीं किस किस में पड़े हुए थे और आज वो नशे से दूर हो जाता, नशे से टाइम ही नहीं लगता, और पंजाब में युवा जितना मेरे को लगता है घोड़ा लाइन में आया उतना किसी राज्य में नहीं आया, वो तो है पंजाब में शौकीन ज्यादा है, शौकीन लोग ज्यादा खतरनाक शौकीन है, खतरनाक शौकीन है घोड़ों के लिए, ये मान के चलो ये जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, यानी घर वालों का कोई ध्यान नहीं है घोड़े के चक्कर में, हाँ ये तो है, घर वालों के ऊपर मिट्टी लग जाए तो वो पोनी है, घोड़े के ऊपर मिट्टी नहीं लगनी चाहिए भाई, एक बुलेट पे सेवादार है, वाहेगुरु ने इनकी सेवा दी है और बड़े शुक्र गुजार है वाहेगुरु का। नहीं नहीं पर सर घोड़े की देखो सेवा किसी के फार्म पे आके अच्छी हो वो भी घोड़े की तकदीर है और ऊपर वाले की तकदीर, अरे घोड़े की तकदीर से हमारी तकदीर चमकती है, बंदा सोचता नहीं है पर ये सोचने वाली बातें होती हैं, पाशाही की बड़ी कृपा है। नहीं नहीं सर मैं आपके पास में देखो पिछले एक साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने वो देख रखा है कि सेवा किस तरीके की, और मैंने खुद आंखों से देखा हुआ है, देखो एक तो सुनी हुई बात हो रही है आंखों से देखी हुई बात हो, तो वो मेरे को पता कि सेल परचेज वाला आपका और सेवा के अंदर कोई कमी नहीं रहती। अरे हम तो बाहर से भी जो घोड़ी आती है रुकती है उस पर भी हम बायस नहीं रहते, जो अपनी घोड़ियों को चलता है वैसे ही चलता है, लड़के कई घोड़ियों को ऐसे नहला धुला के चमका के भेजते हैं। अरे ये देखो ये चीज बस ये है कि ये काम जो आप नए होके समझ सकते हो, तो ये काम जो मार्केट में जो दिन में तीन घोड़ियां क्रॉस करते हैं या दो कर रहे हैं या एक कर रहे हैं उनको भी समझनी चाहिए कि दूसरे की घोड़ी आए तो उसको भी अपनी घोड़ी समझो, ऐसा नहीं कि उसकी घोड़ी आई तो मोटी और जावे जब हड्डियों का ढांचा बन जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
अब तो खूब सेवा करते, उसकी मालिश जैसे अपने घोड़ों की होगी सुबह उसकी भी। अरे उसकी वो दूसरे की वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है अपने पास में, टेंशन रहती है, क्योंकि अपनी को कुछ हो जावे तो चलो कोई कुछ कहने वाला नहीं, पर दूसरे की को अगर कुछ हो जाए तो भाई साहब जिम्मेदारी आ जाती है। अगर प्रदीप भाई ज्यादा भी आ जाए, आपने देखा होगा ना वो शेड डाल रखे हैं ना हमने, बढ़िया शेड डाल रखे हैं, हम अपनी घोड़ी को वहाँ बाहर रख लेते हैं, बिल्कुल दूसरे की घोड़ी हम बाहर भी नहीं रखते। वैसे तो एक दो बार ही ऐसी जरूरत पड़ी, नहीं दो बार ऐसा हो गया था थोड़ा ना कि घोड़ी आ गई थी, तो एक दो बार ऐसे कि जैसे हमारी तीन दिन बाद जंप दे देना है ना, तो अपनी घोड़ी को हमने बाहर रख लिया था। नहीं बाकी घोड़िया और जो घोड़ों की हेल्थ है जो पिछली बार अपन ने वीडियो में दिखाई उससे तो मेरे को लगता है कि दो तीन गुना वो तो जी बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ गया जी, है ना, मान एक तो वातावरण का भी फर्क पड़ गया, वातावरण का कुछ पहले घोड़े कीचड़ देखते थे, आज हरियाली देखते मस्त लगता होगा, हरा रंग अच्छा ही लगता है, साइड में उनकी होनी चाहिए ना, सामने हरियाली हो ना जानवर खुश रहता है, बिल्कुल इनको हरियाली बड़ी अच्छी लगती है। आपने तो रूम का साइज इतना दिया कि वो हरियाली में भी नहीं निकालो तो रूम में उनको ऐसा लगता है गार्डन में छोड़ बना दो चाहिए जी। अब बड़ा जानवर है, साइज भी चाहिए। तो आपको दोस्तों हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे फार्म का भी वीडियो, क्योंकि क्या है कि अगर घोड़े दिखा दिए तो फार्म नहीं दिखाया तो लोग कहेंगे प्रदीप भाई फार्म तो दिखाओ, बहुत दिन और घोड़े भी गुस्सा हो जाएंगे हमारा घर नहीं दिखाया हमारा घर नहीं दिखाया। तो दोस्तों आपको अभी हम दूसरे वीडियो में दिखाते हैं फार्म का भी कुछ विजुअल, बाकी आपने पहले वीडियो में देखी सर का पंजाब रत्न घोड़ा और तीन घोड़िया। थैंक यू सर इतनी जानकारी देने की। थैंक यू।